बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई वाले सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल की। सबसे पहले बता दूं कि 5 जुलाई को योगिनी एकादशी का पर्व मनाया जाएगा, 9 जुलाई को आषाढ़ महीने की अमावस्या है और 11 जुलाई से आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी दिखाई दे रही है और मेष राशि वालों को इस सप्ताह में बहुत सारे लाभ होते हुए भी दिख रहे हैं। मेष राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, करियर की रुकावटें दूर होंगी और मेष राशि वालों को इस सप्ताह में आकस्मिक धन का फायदा भी हो सकता है। नौकरी में, व्यापार में आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ सकती हैं, ये संभावना मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह में ज़रूर बन रही है। मेष वालों से मैं कहूँगा कि ज़्यादा इमोशनल होकर के इस सप्ताह में निर्णय मत लीजिएगा और सप्ताह के अंत में किसी को कोई कमिटमेंट करने के पहले, किसी को कोई वचन देने के पहले या वाणी से कुछ भी निकालने के पहले थोड़ी सावधानी रखिएगा। वृषभ राशि। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा तनाव तो है लेकिन ये तनाव बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। इस सप्ताह में आप नई योजनाएं बनाएंगे, नया कार्य करेंगे, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, धन की स्थितियां भी कुल मिला के अच्छी दिख रही हैं। इस सप्ताह में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप खान पान में लापरवाही ना करें, वरना पेट की वजह से या कमजोरी की वजह से आपको दिक्कतें हो सकती हैं। इस सप्ताह के अंत में उपहार सम्मान का लाभ भी मिल सकता है और हो सकता है कि सप्ताह के अंत में किसी मनोरंजन के कार्य में, किसी आनंद के कार्य में आप व्यस्त रहें। सप्ताह अच्छा है। मिथुन राशि। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी है और ऐसा लगता है कि पैसे रुपए की मुश्किलें थोड़ी बेहतर हुई हैं पहले की तुलना में और आपका काम भी धीरे धीरे बेहतर चला जा रहा है। लेकिन अभी मानसिक रूप से और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि शनि की ढैया भी चल रही है और ऊपर से बृहस्पति भी थोड़े टेढ़े हो गए हैं। तो आप जो भी निर्णय इस समय में लेंगे, जरा सोच समझ के सलाह करके निर्णय लीजिएगा। अपने संतान पक्ष का, जीवन साथी का ध्यान रखिएगा क्योंकि वहाँ से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। करियर आपका अच्छा बना रहेगा, करियर आपका ठीक चलता रहेगा, जरूरत भर के पैसे मिलते रहेंगे। हो सकता है इस सप्ताह के अंत में कोई पुराना रिश्ता आपका बेहतर हो जाए, किसी रिश्ते के बेहतर होने की, अच्छा होने की संभावना बन रही है और सप्ताह के अंत में आपको आकस्मिक रूप से कोई सपोर्ट मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इस सप्ताह में अपने माता पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। कर्क राशि। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी है, बहुत मजबूती से, बहुत बोल्ड होकर के आप जीवन में निर्णय ले रहे हैं और ये बिल्कुल सही समय है अपने निर्णयों को आगे बढ़ाने के लिए। इस सप्ताह में आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है, बहुत भावनात्मक होकर, बहुत इमोशनल होकर के गलतियां मत करिएगा और जो भी निर्णय आप ले रहे हैं, जो भी योजनाएं आप बना रहे हैं उनको गोपनीय रखिएगा। इस सप्ताह में खासतौर से 9 और 10 तारीख को ऑफिस के मामले में, करियर के मामले में लापरवाही मत करिएगा वरना करियर में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। सप्ताह के अंत में किसी प्रिय मित्र से मुलाकात हो सकती है, सप्ताह के अंत में कोई छोटी मोटी यात्रा हो सकती है, उपहार सम्मान का लाभ भी सप्ताह के अंत में आपको मिलता हुआ दिख रहा है। इस समय भावनाओं पर काबू रखें, इमोशंस को ठीक रखें, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें और हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दवाइयां आदि समय पर खाएं, पूरा विश्राम करें तो बेहतर रहेगा। सिंह राशि। सप्ताह की शुरुआत अच्छी दिख रही है आपकी और सप्ताह की शुरुआत में ऐसा लग रहा है कोई शुभ सूचना भी आपको मिलने वाली है। इस सप्ताह में आप करियर में कुछ बदलाव करने वाले हैं या बदलाव होने वाला है और ये बदलाव आपके लिए आगे चल करके फायदेमंद रहेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह में विवाह संबंधी बातों में तेजी आ सकती है, आपकी शादी फाइनल हो सकती है और उसके लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो इस सप्ताह में लाभ होता दिख रहा है। अपने बड़े भाई या अपने बड़ी बहन के स्वास्थ्य का इस सप्ताह में ध्यान रखिएगा क्योंकि वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आती हुई इस सप्ताह में दिख रही है।
इस सप्ताह में धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी किसी भी नए कार्य में जाने का प्रयास मत करिए। संपत्ति संबंधी कोई कार्य मत करिएगा इस सप्ताह में, वरना उसमें आपको मुश्किलें हो सकती हैं। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में खान पान का, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के आप लापरवाहियां करेंगे तो आने वाले समय में परिणाम गंभीर हो सकते हैं। तो पूरे सप्ताह में सेहत पर ध्यान विशेष रूप से बनाए रखिएगा। पैसे रुपए की स्थिति ठीक है, परिवार की स्थिति ठीक है, संतान की स्थिति ठीक है और करियर भी कुल मिला जुला के आपका बेहतर दिख रहा है। इस सप्ताह में ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, प्रतियोगिता के क्षेत्र में हैं, तो नौकरी संबंधी, करियर संबंधी, प्रतियोगिता संबंधी कोई फ़ायदा आपको हो सकता है, खासतौर से 8, 9 और 10 तारीख को। अगर कोई इंटरव्यू है या नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, इस सप्ताह में पूरी ताकत लगाइए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत कह रही है कि अभी भी आपकी लापरवाहियां जारी हैं और आपकी लापरवाहियों की वजह से आपके काम में दिक्कत आ रही है। ब्लड प्रेशर का, रक्तचाप का और आँखों की समस्या का इस सप्ताह में ध्यान रखिएगा। काम को ईमानदारी से करें, काम को बढ़ाने का प्रयास करें, बेवजह किसी से वाद विवाद इस सप्ताह में मत करिए। थोड़ा सा समय अपनी पूजा उपासना पर दें, क्योंकि शनि की जो ढैया है वो थोड़ी ज़्यादा मुश्किलें पैदा करेगी, मन में डिप्रेशन पैदा करेगी और मन की चिंताओं को बढ़ाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय पूजा उपासना में दें, खान पान को सात्विक रखें। हाँ, इतनी गारंटी ज़रूर है कि जितनी आपकी ज़रूरत है वो इस समय पूरी होती रहेगी और प्रेम संबंधों में, लव लाइफ में जो मुश्किलें चली आ रही थी वो इस सप्ताह में दूर हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, नाव डगमगा रही है, कभी लग रहा है चीज़ें बेहतर हो रही हैं और कभी लग रहा है चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, तो थोड़ा सा बुद्धिमानी ये कहती है कि अभी जहां खड़े हैं वहीं स्थिर रहिए, किसी बड़े बदलाव से इस समय बचिए और अगर कोई बड़ा बदलाव कर चुके हैं तो फिलहाल शांति से खड़े रहिए, चीज़ें कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएंगी। अपनी योजनाओं को आप गोपनीय रखें, इस समय जल्दबाजी में निर्णय मत लें और परिवार का जो सपोर्ट मिल रहा है उस पर ध्यान दें, अपने परिवार जनों के साथ प्रेम से पेश आएं, रिश्तों के लिए अच्छा समय है और आपको थोड़ा समय भी इस समय मिला हुआ है, तो थोड़ा समय परिवार के साथ, रिश्तों के साथ, मित्रों के साथ बिताएं तो बहुत अच्छा होगा। करियर की जो ये समस्या है ये थोड़े ही समय के लिए है, लंबे समय के लिए नहीं है। इस समय स्थिर खड़े होकर चीज़ों को देखते रहिए, चीज़ें धीरे धीरे अपने आप बेहतर होती चली जाएंगी। इस सप्ताह में 8 और 9 तारीख को वाहन चलाने में बड़ी सावधानी रखिएगा, चोट चपेट और दुर्घटना की संभावनाएं बन रही हैं। और हाँ, किसी प्रेम संबंध में या किसी लव अफेयर के चक्कर में कोई अपयश न मिल जाए इस समय में, उसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। धनुराशि, समय आपका अच्छा है और ये बात आपको समझ में आ भी रही होगी कि चीज़ें आपकी बेहतर हो रही हैं, नौकरी के मामले से, नौकरी की तरफ से आपकी चिंताएं समाप्त तो हो चुकी हैं, नौकरी में स्थिरता आ चुकी है, काम आपका बेहतर चलता रहेगा। लेकिन अभी जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी और अभी आपको उस पक्ष पर ध्यान देना होगा। करियर के मामले में कोई खास मुश्किल नहीं है, हाँ ये है कि काम का थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहेगा, आपसे ज़्यादा लोग उम्मीदें पालेंगे, लेकिन उसका फ़ायदा आपको आने वाले समय में प्राप्त होगा। इस सप्ताह में किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर, किसी पवित्र स्थान की यात्रा पर जाने के संकेत आपके सितारों में दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि आपके परिवारजनों का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। सिर्फ मैं इतना कहूंगा धनु वालों को इस समय कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, आपका समय जितना बेहतर बहुत दिनों के बाद हुआ है वो और भी बेहतर होगा, लेकिन विवाह वाले पार्ट पर और जीवन साथी वाले पार्ट पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक तो 7.5 इस समय उतर रही है और दूसरा बृहस्पति आपका सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में ही तनाव दिख रहा है और ये तनाव परिवार को लेके, पैसे को लेके, संतान को लेकर के हो सकता है, इसका ध्यान रखिए, शांति रखिएगा सप्ताह की शुरुआत में। लेकिन ये सप्ताह आपके करियर में बड़ा परिवर्तन भी दिखा रहा है, आपके करियर में आपका रोल बदल सकता है, आपकी स्थिति बदल सकती है, इस तरह की संभावना भी इस सप्ताह में आपके लिए दिख रही है। लेकिन नौकरी आपकी बदस्तूर चलती रहेगी, पैसे आते रहेंगे, ज़िंदगी में कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, आप शांति से बैठे रहेंगे, चीज़ें आपकी सब होती जाएंगी ऑटोमेटिकली, मामला कुछ भी बुरा नहीं है। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में इस समय कोई निर्णय लेंगे पैसा इन्वेस्ट करने का, नौकरी बदलने का, तो आप संकट में पड़ेंगे।
इसलिए बुद्धिमानी कहती है कि शांत रहिए, शांत रहने में ही आपको फायदा होगा। और हाँ, इस सप्ताह कोई शुभ सूचना आपको पैसे के संबंध में या संपत्ति के संबंध में मिल सकती है। अपनी माताजी के स्वास्थ्य का इस सप्ताह में ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि, थोड़ा प्रेशर तो आपके मन पे दिखाई दे रहा है और ये प्रेशर अपने परिवार को लेके है, अपने जीवन साथी को लेकर के है और अपने करियर को लेकर के है। थोड़ी शांति से इंतज़ार का समय है, अभी इंतज़ार करिए, थोड़ी पूजा उपासना करिए, साधना प्रार्थना करिए, मन को मजबूत करिए, क्योंकि आने वाले वक्त में आप बड़े परिवर्तन से गुजरेंगे और ये परिवर्तन आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अपना काम ईमानदारी से करिए, अपने खान पान का, आराम का, काम का ध्यान रखिए। देखिए, प्रेम मोहब्बत में, लव अफेयर में और रिश्तों के मामले में चीज़ों के बेहतर होने की संभावना इस समय बन रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के दोबारा से कोई बेवकूफ़ी मत करिएगा, वरना ये आगे आपके लिए मुश्किलों का कारण बनेगा। वाहन चलाने में सप्ताह के मध्य में यानी 6 और 7 तारीख को सावधानी रखिएगा और साथ ही साथ दवाइयां समय से खाएं और ज़्यादा समय पूजा उपासना में दें ताकि आपकी मानसिक शक्ति ठीक बनी रहे। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जिससे कोई बड़ी समस्या हो जाए आपको, लेकिन आप मन में काल्पनिक वहम पाल रहे हैं, उससे बाहर निकलना ज़रूरी होगा। मीन राशि, पहले की तुलना में आपका मन भी ठीक है, आपका करियर भी ठीक है और आपका दिमाग भी ठीक है। आपको इस सप्ताह में नए मौके भी मिलेंगे, आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी और आपको अनावश्यक थोड़ा सा जो तनाव हो रहा था वो भी कम होगा। आपको आकस्मिक पैसे का फायदा भी होता हुआ इस सप्ताह में दिख रहा है। इस सप्ताह में विदेश यात्रा की संभावनाएं तो बन रही हैं, लेकिन जब तक बहुत ज़रूरी ना हो यात्राओं से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये सप्ताह आपकी यात्रा के लिए बहुत अच्छा नहीं है। 9 और 10 तारीख को बेवजह के विवादों से, बेवजह के तनाव से आपको बचना चाहिए। सप्ताह के अंत में आपके लिखने के लिए, आपके पढ़ने के लिए, आपके काम के लिए आपको कोई पुरस्कार सम्मान मिल सकता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आकस्मिक धन प्राप्त करने की संभावना इस सप्ताह में बन रही है। मीन वालों को इस समय सिर्फ अपने दिल की बात सुननी है, दूसरे क्या कहते हैं, क्या करते हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। जो लक्ष्य बना करके चल रहे हैं उसी पर फोकस रहिए तो आपके लिए बेहतर होगा। अब इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि नित्य प्रातः एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाइएगा और ये जल आप अपने घर से भर कर के अगर ले जाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो आशा करते हैं कि आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।